नमस्कार दोस्तों, मैं एस चंद्र अग्रवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने और उसको प्राप्त करने के लिए सबसे अहम चीज़ आवश्यक होती है स्पीड। यदि आपकी स्पीड है तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। आइए मैं आपको गुणा करने के एक धासु ट्रिक बताता हूं, जरा देखिए। इकाई का अंक पांच होना चाहिए, तथा गुण और गुणक दोनों समान होने चाहिए। इकाई का अंक तो पांच होना चाहिए और गुण और गुणक दोनों समान होने चाहिए। जैसे 25 गुणा 25 या हमें 35 गुणा 35 या 45 गुणा 45 या 95 गुणा 95 या 105 गुणा 105 या 75 गुणा 75, इनको गुणा करने में केवल महज 2 सेकंड का समय हमारा लगेगा। अर्थात किसी भी सवाल को हल करने में केवल और केवल जोड़ गुणा भाग बाकी, इन चार चीजों के अलावा कंपटीशन के अंदर कोई भी चीज अनिवार्य नहीं है। और जिस बालक पर जोड़ गुणा भाग बाकी अच्छी तरीके से आता है, अर्थात कमांड है, तो वो निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर रहते हुए अपने सवालों को हल कर पाएगा। इनको गुणा कैसे करें तो जरा देखिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें आंख मीच करके बिना सोचे और बिना समझे आंख मीच के 25 लिखना है। 25 तो आएगा ही आएगा, और अब इस 2 को अगली संख्या से गुणा करना है। बताइए 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 2 को काई से गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 2 3 6। दोबारा देखें, आंख मीच के 25 लिखना है और 25 तो आएगा ही आएगा। हमें क्या करना है? इस 3 को अगली संख्या से गुणा करना है। बताइए 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 3 4 12। दोबारा देखिए, आंख मीच के 25, इस 4 को अगली संख्या 5 से गुणा करना है, 4 5 20। आंख मीच के 25 लिखना है, 7 को अगली संख्या 8 से गुणा करना है, 7 8 56। आंख मीच करके 25 लिखना है और इस 10 को अगली संख्या 11 से गुणा करना है, अर्थात 11 2 10। मैं समझता हूँ बात पूरी तरीके से आपके समझने में आई होगी। फिर भी दोबारा वंस अगेन एक बार दोबारा देखें। आंख मीच करके 25, 9 को अगली संख्या 10 से गुणा करना, यानी 9 2 90। केवल और केवल 2 सेकंड के अंदर आप इस गुणा को हल कर सकते हैं। अगर 30 सवाल आते हैं, एक सवाल में 1 सेकंड भी अगर आप बचाते हैं तो 30 सवालों के अंदर 30 सेकंड बचेगी, और 30 सेकंड बचने का मतलब है सामने वाले विद्यार्थी से 1 सवाल आप ज्यादा कर पाएंगे। आइए एक बार आप नोट्स बना लीजिए, एक बार आप उतार लीजिए इनको अपनी नोटबुक के अंदर। आइए दूसरी ट्रिक देखते हैं। देखिए विद्यार्थी, अगर कहीं हम दुनिया के साथ साथ चलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रेस लगानी पड़ेगी। कहते हैं कि स्पीड, अगर स्पीड कुछ नहीं, यहां पर 3 शब्द होते हैं, टी एस और ए, अर्थात टसा। टी फॉर टाइम, अर्थात आपका समय के अनुकूल, समय के अनुसार
समय के आधा पर आपको चलना पड़ेगा, अर्थात जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। दूसरा एस फॉर स्पीड, यदि आपकी स्पीड है तो ही आप अन्य प्रतिभागियों को पछाड़ पाएंगे, अर्थात आगे निकल पाएंगे। और तीसरा ए फॉर एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी बोले तो शुद्धता, यदि आपकी शुद्धता है, कहीं ऐसा ना हो कि स्पीड के चक्कर में हमने 10 सवाल किए लेकिन स्पीड के चक्कर में आकर के एक सवाल हमारा गलत हो गया, तो ऐसी स्पीड से कोई मतलब नहीं। तो तीनों शब्दों का सामंजस्य स्थापित होना अनिवार्य है, तीनों चीजों को एक साथ लेकर के चलना अनिवार्य है। टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, एस फॉर स्पीड आपकी होनी चाहिए, और ए फॉर एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। हम कंपटीशन देने के लिए चले जाते हैं लेकिन पता लगता है कि बिना स्पीड के चक्कर में अगर आपकी स्पीड ना हो तो 50 सवाल में से केवल 10 और 15 सवाल ही हम कर पाते हैं, ऐसे में सिलेक्शन संभव नहीं है। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और आप ये भी ना सोचें कि आप बहुत पीछे हैं, नहीं, आप 90 जनों से आगे हैं, केवल और केवल 10% लोगों से पीछे हैं। हमें उन 10% लोगों से आगे निकलने की कोशिश करनी है, और वह तभी संभव हो पाएगा जब आप स्पीड बनाएंगे। आइए मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूं। जब इकाई का अंक तो 5 होना चाहिए किंतु गुण और गुणक दोनों में 10 का अंतर हो। दोस्तों, पढ़ाने वाले को भी आनंद तभी आता है जब आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को दबाएं। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, और मैं इन वीडियो के द्वारा यह आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी अतिशीघ्र ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और पूरा का पूरा सिलेबस हम घर बैठ करके निश्चित रूप से उसी ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहें, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, वो समय मैं आपसे चाहता हूँ, यह आपसे मेरी अपेक्षा है। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। आइए देखते हैं दूसरी ट्रिक। जब इकाई का अंक तो 5 हो तथा गुण और गुणक दोनों में 10 का अंतर होना चाहिए। जैसे 25x35 या 45x55 या 65x75 या 95x85 या 105x95 या 125x135 या 75x85। मैंने ये सारे सवाल लिखे, मैंने बोर्ड पर 7 सवाल लिख दिए। ये 7 सवालों को अगर आप गौर से देखेंगे तो सब में इकाई का अंक क्या है? 5। और गुण और गुणक दोनों में कितने का अंतर है? 10 का। क्या करना है? कुछ नहीं, केवल एक पल, पलक झपकते ही आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा। जरा देखें कैसे, कि आपको कुछ नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले जब गुण और गुणक दोनों समान थे और इकाई का अंक 5 था, तो आपने आंख मीच करके 25 लिखा था। अब आपको आंख मीच करके 75 लिखना है, बिना सोचे और बिना समझे, सोचना ही नहीं, आंख मीच के 75 लिखना, और कुछ नहीं करना। आपको यह पता लगाना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। इन दोनों में से जो भी बड़ा हो उसका वर्ग करना, और वर्ग करके एक घटाना है। इन दोनों में से जो भी बड़ा हो उसका वर्ग करना है, वर्ग करके एक घटाना है। 2 और 3 में से बड़ा कौन है? 3 का वर्ग होता है 9, और 9 में से एक घटा दीजिए, क्या बचा? 8। या आपका गुणा हुआ, नहीं आई समझने में, दोबारा देखें एक बार। आंख मीच करके 75 लिखना है, बिना सोचे बिना समझे, ये तो आएगा ही आएगा। और अब इस 4 और 5 में से कौन बड़ा है? 5।
इसका वर्ग करके एक घटाना पांच का वर्ग, 25, 25 में से एक गया तो 24, या आपका गुणा तैयार। आइए आंख मीच के 75 लिखना, बड़ी संख्या 7, 7 का वर्ग 49, 49 में से एक गया तो 48। कौन कहता है कि हमारी स्पीड नहीं बन सकती? आप प्रयास तो करके देखिए एक बार। कहते हैं कि जब भिखारी चलता है तो कुत्ते पीछे पीछे भौंकते हैं, लेकिन जब भिखारी पलट करके देखता है तो कुत्ते दुम दबा के भागते हैं। आइए दोस्तों एक बार अपनाने की कोशिश करें। आंख मीच करके 75 लिखना, बड़ी संख्या 9, 9 का वर्ग 81 में से एक गया तो 80, आंख मीच करके 75, बड़ी संख्या 10, 10 का वर्ग 100 में से एक गया तो 99, आंख मीच के 75, बड़ी संख्या 13, 13 का वर्ग 169 में से एक गया तो 168, आंख मीच करके 75, बड़ी संख्या 8, 8 का वर्ग 64, 64 में से एक गया तो 63, यह आपका गुणा तैयार। मैं समझता हूं आपकी बात समझने में आई होगी। आइए गुणा करने की और कुछ ट्रिकें हम सीखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं फिर वंस अगेन एक बार दोबारा आपसे कहूं कि आप अधिक से अधिक हमें लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।